हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया। आज हम आपको लेके चलते एक नई यात्रा पर। वो कहाँ जा रहे हैं ये तो हम आपको अभी नहीं बताएंगे, वो सरप्राइज है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। ये देख सकते हैं आप, हमारे बैग तैयार हो चुके हैं। ये मेरा बैग है, ये माही का बैग है। देखते हैं कहाँ चलते हैं। ये खूबसूरत रास्ते देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम किसी हिल स्टेशन पर जा रहे हैं। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो सतारा जिले में आता है। यहाँ की सह्याद्री श्रृंखला आपकी यात्रा को मनमोहक बना देंगे। यहाँ का मौसम, वातावरण एवं वादियाँ आपकी ट्रिप को आनंदित कर देंगी। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं महाबलेश्वर। ये है वेन्ना लेक। ये बहुत ही खूबसूरत लेक है, यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ वेन्ना लेक के साथ वेन्ना रिवर भी है। चलिए अब महाबलेश्वर की प्रसिद्ध स्ट्रॉबेरी टेस्ट करते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती है। यहाँ पर उत्पादित स्ट्रॉबेरी का स्वाद व मिठास बहुत ही खास होता है। महाबलेश्वर बेसिकली चार तरह की बेरीज के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, गूसबेरी और रेसबेरी है। यहाँ आकर आप ये सभी बेरीज का लुत्फ उठा सकते हैं। अब हम आ चुके हैं स्ट्रॉबेरी गार्डन। यहाँ पर हम आपको स्ट्रॉबेरी की गार्डनिंग कैसे की जाती है वो हम दिखाएंगे। यहाँ से आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी खरीद सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ आ चुके हैं स्ट्रॉबेरी गार्डन। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की कैसे गार्डनिंग की जाती है वो हम आपको दिखाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी की गार्डनिंग की गई है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये गार्डन, मुझे तो वाकई बहुत सुंदर लग रहा है। आप जब कभी भी महाबलेश्वर आए तो ये जरूर देखें। देख सकते हैं आप स्ट्रॉबेरी एकदम फ्रेश दिखा ना, ऐसे कैसे तोड़ा। यहाँ का स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बहुत ही फेमस है, आप यहाँ आए तो ये जरूर ट्राई करें। देखिए फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं किड्स पॉइंट। यहाँ पर कई मूवीज की शूटिंग हुई है, जैसे राजा हिंदुस्तानी, धमाल मूवी और भी कई सारी मूवी की शूटिंग हुई है यहाँ पर। आप बने रहिए हमारे साथ, आइए चलते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत वादियां हैं। यहाँ पर आप गोलमाल बाइक पर फोटो शूट करवा सकते हैं। ये है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से ही हुआ है। महाबलेश्वर को पांच नदियों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से पांच नदियों का उद्गम हुआ है, जिसमें है वेन्ना, गायत्री, सावित्री, कोयना और कृष्णा नदी।
हम चलते हैं वाटरफॉल देखने। देखिए यहाँ पानी बहुत ठंडा है। ये देख रहे हैं आप, माही का फोटो सेशन चल रहा है। ये क्लिप मैंने चुपके से शूट की थी। अब ब्लॉग बनने के बाद माही देखेंगे ना, तब मुझे जरूर बोलने वाले हैं ये क्या क्या करती रहती हो तुम। वेलकम टू द एशिया सेकेंड लार्जेस्ट प्लेटो, दैट इज टेबललैंड। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पठार है जिसका नाम है टेबललैंड। आइए हम आपको घुमाते हैं टेबललैंड। देख सकते हैं आप ये कितना बड़ा है, कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, आप घोड़ा गाड़ी से भी घूम सकते हैं। आप देख ही रहे होंगे कि हम घोड़ा गाड़ी से यहाँ पर घूमे। ये पांडव के पैरों के निशान हैं, ये आप देख पा रहे हैं। अब हम चलते हैं केव रेस्टोरेंट, जिसके लिए हमें ट्रैकिंग करनी होगी। देख सकते हैं आप यहाँ के रास्ते कितने एडवेंचरस हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते हम बहुत थक गए। यहाँ का केव रेस्टोरेंट देखने लायक है। देख सकते हैं आप ये कितना नेचुरल और ब्यूटीफुल है।
ये देखिए कितना थक गए हैं चल चल के, सुस्ता रहे हैं अब। ये है जन्नत महाबलेश्वर की। अब हम कैलाश केव जा रहे हैं, यानी कि शिव जी की गुफा में। ये थोड़ा सा हॉरर जैसा प्रतीत हो रहा है, देखते हैं अंदर जाके। जय जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर। इतना थकने के बाद अगर गन्ने का जूस मिल जाए तो क्या बात है, थकान तो दूर ही हो जाएगी ना। ये आप देख सकते माही की हालत बहुत खराब हो चुकी है चल चल के, और साथ में मेरी भी। अब हम आ चुके हैं पारसी पॉइंट। यहाँ पर आपको हेल्दी ही स्नैक्स मिलेगा पूरे महाबलेश्वर में। मैंने जितना भी यहाँ ऑब्जर्व किया कि बाहर आपको हेल्दी स्नैक्स मिलेगा, लाइक स्ट्रॉबेरी सैलेड, फ्रूट सैलेड और भी बहुत कुछ है यहाँ। ये यहाँ की बहुत ही खास और बहुत अच्छी बात है कि आप घूमने के साथ हेल्दी खाएं। देख सकते हैं आप, ये है यहाँ का हिलने वाला ब्रिज, और माही इसका आनंद लेते हुए हमेशा की तरह। ये है मेप्रो गार्डन। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत गार्डन है। ये गार्डन के साथ यहाँ रेस्टोरेंट एवं सुपरमार्केट भी है। यहाँ आप मैप्रो कंपनी के आइटम भी खरीद सकते हैं। ये है चिक्की फैक्ट्री। यहाँ पर आप चिक्की, फज, रोस्टेड पीनट, रोस्टेड चना और भी बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पर फ्लेवर वाला चना भी मिलता है, लाइक गार्लिक फ्लेवर, पेरी पेरी फ्लेवर, मिंट फ्लेवर, तो जो भी आपको पसंद हो वो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप यहाँ जाएंगे तो आपको जो भी वहाँ पसंद आता है आप वहाँ पहले टेस्ट कीजिए। अगर आपको टेस्ट पसंद आता है तो आप लीजिए, अगर नहीं भी आप लेना चाहते तो टेस्ट करने के कोई भी पैसे नहीं है ना फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बात। ये हमने सभी पॉइंट फर्स्ट डे कवर किए और आपके साथ शेयर भी किए।
आगे महाबलेश्वर सीरीज में और भी वीडियोस आएंगी, तो आप बने रहिए। महाबलेश्वर की अमेजिंग पिक्चर्स आप देखना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है।